दिन में 200% से ज्यादा बढ़ा। 24 घंटे में मिले 44 नए मामले। एक्टिव केस की संख्या 170 पहुंची। एनसीआर फिर बना एपी सेंटर। कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 7 दिनों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 74 से 170 पहुंच गई है, यानी 229% तक बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ मार्च महीने में पॉजिटिव केसों की संख्या भी 268 तक पहुंच गई है, जबकि महीने के पहले 15 दिनों में यानी 15 मार्च तक पॉजिटिव आने वाले केस की संख्या सिर्फ 71 थी। शुक्रवार सुबह आई रिपोर्ट में 24 घंटे में 44 नए केस मिले हैं। वहीं राज्य के आधे से ज्यादा जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बड़ी बात यह है कि होली के बाद से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखी गई है। एक दिन पहले यानी गुरुवार को आई रिपोर्ट में प्रदेश भर में 26 नए पॉजिटिव केस मिले थे। सबसे गंभीर बात यह है कि संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने के बाद भी अभी टेस्टिंग बढ़ाई नहीं गई है। हालांकि सीएम योगी ने करीब एक हफ्ते पहले ही हाई लेवल बैठक में कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने के साथ ही जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। तीसरी लहर के बाद एक बार फिर से यूपी एनसीआर यानी गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर कोरोना केस के नए मामलों में एपी सेंटर बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहां लगातार कोविड मामलों में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में सबसे ज्यादा गाजियाबाद में 11 और गौतम बुद्ध नगर में 9 नए केस सामने आए हैं। अकेले इन दो जिलों में कुल एक्टिव केस की संख्या 71 पहुँच गई है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।